क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया, या ऐसा जीव जिसको आप कितनी बार भी काट लो वो फिर भी एक नए जीव में खुद को परिवर्तन कर लेता है, और वो बंदा जिसने मात्र 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलाने की रफ्तार पर जुर्माना भरा था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। न्यूजीलैंड पहला देश बना जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले वुमेन्स को राइट दिया टू वोट, सन 1893 में इसे लागू किया था। एक ऐसा देश जहां पर कोई आर्मी नहीं है बट फिर भी वर्ल्ड का सबसे पीसफुल कंट्री है। जी हां, आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है ऑफिशियली या अनऑफिशियली, बट वो वर्ल्ड का सबसे पीसफुल देश है। शीशलंग एक ऐसा जीव है जिसको आप जितनी बार भी काटोगे उसके सिर से भी फिर भी वो मरता नहीं है, ये तो रावण हो गया आजकल के जमाने का। जी हाँ, शीशलंग को एक ऐसी शक्ति या फिर ऐसे भगवान ने बनाया है कि उसको जितनी बार भी आप मारोगे वो अगले 10 दिन में एक नया बॉडी फॉर्म ले लेता है। इंडिया में जब कभी भी हमें कहीं घूमने जाना होता है फॉर वन डे पिकनिक, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वाटर पार्क आता है, बट वाटर पार्क एक स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 या 6 हो सकते हैं, राइट? और पूरी कंट्री में आप देख लो इंडिया में तो लगभग 500 या 400 वाटर पार्क होंगे, जो कि इतने बड़े इंडिया में सिर्फ इतने ही हैं। बट अमेरिका में वहीं 1200 वाटर पार्क हैं सिर्फ इतनी छोटी कंट्री के लिए, 1200 वाटर पार्क। टर्की बर्ड यानी ये टर्की पक्षी जो आजकल फॉरेन स्पेशली अमेरिका में लोगों का वन ऑफ द फेवरेट मील बन चुका है, इस पक्षी को एक ज़माने में भगवान का दर्जा दिया जाता था। जी हाँ, मयान पीपल लगभग 300 BC में इसको द गॉड ऑफ वेसल या वेसल ऑफ गॉड भी माना करते थे, और इसको पावर ऑफ प्रेस्टीज का सिंबल माना किया करते थे। ओलंपिक्स के बारे में तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और इंडिया की तरफ से कई लोगों ने ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स भी लाए हैं, बट या ज़्यादातर कुश्ती होगी या हॉकी होगी इन सब में। बट क्या आपको पता है कि एक ज़माने में ओलंपिक्स में आर्ट्स यानी कला, लिटरेचर, पोयम और पेंटिंग भी इंक्लूडेड थी, और इन सबको भी मेडल दिया गया था। ये बात है 1912 से लेकर 1948 तक। आप सबको ये तो ज़रूर मालूम होगा कि एक दिन में लगभग 4 से 6 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, और 2500 से 3000 तक का कैलोरी वाला खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है। बट क्या आपको पता है कि एक बंदा अपने एक दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन इनहेल करता है या ब्रीद करता है? लगभग 11000 से 12000 लीटर ऑक्सीजन एक पर्सन एक दिन में इनहेल या ब्रीद करता है। अगर मैं कहूँ आप अपने पूरे साल में लगभग 100 से 150 किलो खाना वेस्ट करते हो अगर आप रेस्टोरेंट में महीने में एटलीस्ट एक बार खाना खाते हो तो। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में पूरे विश्व में लगभग 1 बिलियन मीट्रिक टन खाना बेकार किया जाता है। तो खाना खाया करो यार, कई लोग भूखे मरते हैं, उसको वेस्ट मत किया करो। 1896 दुनिया की सबसे पहली कार लॉन्च होने के ठीक 3 से 4 साल बाद वाल्टर एर्नॉल्ड एक इंग्लैंड का बंदा जो अपने गांव जा रहा था, उसकी कार की स्पीड थी 2-3 माइल पर आवर यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटे, और उसको ओवर स्पीडिंग का चालान पकड़ा दिया गया एक पुलिस ऑफिसर के दौरान, क्योंकि उस वक्त का स्पीड लिमिट था 2 माइल यानी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और उस वक्त उसने 3 से 4 शिलॉन्ग दिए थे जो आज के ज़माने में लगभग 1 लाख रुपए होते हैं। 13 किलोमीटर प्रति घंटे गाड़ी चलाने के 1 लाख रुपए जुर्माना। नोबल प्राइज़ के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही बखूबी सुना होगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग या जितने भी उच्च कोटि के दिमाग वाले लोगों को नोबल प्राइज़ दिया जाता है या नोबल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने 4, 5, 6 बार नोबल प्राइज़ जीता है, बट ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन है पूरे दुनिया में जिसने 2 नोबल प्राइज़ जीते हैं और दोनों अलग अलग फील्ड में। उनका नाम मैरी क्यूरी है। उन्होंने साइंस के फील्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग नोबेल प्राइज को पाया था। हमारे इंडिया में च्युइंगम या बबल गम खाने पर पेरेंट्स बड़े नाराज हो जाते हैं, बच्चों को खाने नहीं देते, बट एक्चुअल में साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि च्युइंगम च्यू करने से यानी चबाने से कॉन्सेंट्रेशन, जिस भी काम पे आप कर रहे हो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो च्युइंगम खाया करो यार। ऐसे ही और ही अमेजिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।